नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। दबंगों ने गर्भवती महिला को घर में घुसकर पीटा, बच्ची की गर्भ में ही मौत। बहराइच में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं, आए दिन किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं। ताजा मामला दबंगा थाना क्षेत्र के गुल्लावीर कासीराम आवास की है, जहाँ की रहने वाली एक गरीब गर्भवती महिला को दबंगों ने घर में घुसकर बुरी तरह से लात घूसों से पीटा, जिससे उसके पेट में पल रही 7 माह की बच्ची की मौत हो गई। पीड़ित महिला हफ्तों से थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। जब महिला के पेट में मरी हुई बच्ची से इन्फेक्शन पैदा हो गया और पीड़िता को असहनीय पीड़ा होने लगी, तब एक समाज सेवी के हस्तक्षेप के बाद दबंगा पुलिस ने घटना के 19 दिन बाद केवल गाली गलौज व हल्की हाथापाई की धाराओं में मुकदमा लिखकर पीड़िता को मेडिकल के लिए महिला चिकित्सालय भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने महिला के बच्ची की मौत की पुष्टि होने के बाद गर्भपात किया, जिसमें पीड़िता की 7 माह की बच्ची जो कि 18 दिन पहले ही मर चुकी थी, पेट में ही सड़ गई थी। बावजूद इसके दबंगा पुलिस ने अभी तक न ही कन्या भ्रूण हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक तरफ जहां सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर एक गर्भवती महिला को घर में घुसकर बुरी तरह से लात घूसों से पीटा जाता है, जिससे उसके पेट में पल रही 7 माह की बच्ची की मौत हो जाती है और इलाकाई पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। पीड़ित महिला अपनी मरी हुई बच्ची को पेट में लिए 17 दिन थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन सुलह के लिए दबाव बनाते रहे। 18वें दिन जब पीड़िता की हालत ज्यादा बिगड़ती नजर आई और सुरेश गुप्ता नामक एक समाज सेवी के हस्तक्षेप करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हल्की धाराओं में मुकदमा लिखकर अपना कॉलम पूरा कर लिया, लेकिन कोई उस माँ से पूछे जिसने अपनी कोख में बच्चे को पाला हो और वह दुनिया में आने से पहले ही चला जाए और फिर वह अपने अजन्मे बच्चे के कातिल को सजा दिलाने के लिए पुलिस के पास जाती है, वहाँ पर भी उसे न्याय ना मिले तो फिर ये अबला कहाँ जाए। समाचार ए टू जेड के लिए बहराइच से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं, अब क्या है पूरा मामला? मेरा बच्चा हुआ था, लड़की मरी है। कैसे मरी थी? एकदम बन गई है, 10-15 दिन से वो पहले ही खत्म हो गई थी पेट में। क्या घटना घटी थी इसके मामले? इसके मामले में यह घटना घटी थी, इसके मकान में रहते हैं वो लोगों ने हमको मारा था, इसीलिए वो बच्ची मर गई है पेट में। वो आज हुई है लेकिन वो सब गल चुकी है। किन किन लोगों ने मारा था? मुबीन ने, उनके साले ने और उनकी बहन थी, शकीला खाला थी और उनकी बीबी मुबीन की, सब लोगों ने मिलके मारा था, इसीलिए वो बच्चा मर गया। तो वो बच्चा एकदम, कितने दिन का बच्चा था आपके पेट में? 7 महीना चल रहा था। लड़की थी या लड़का? लड़की। क्या नाम है तुम्हारा? शकीला। शकीला, क्या घटना घटी है, थाने आई हो आज? गुल्लावीर आवास में किराए पे रहते थे, कि माँ के नाम से मकान था, 20,000 रुपया दिया था हमने। उसके बाद 6 साल से 600 रुपया महीना किराया का दे रहा, तो बाद में आए थे सब लोग घर में घुस के मारी ने, और जब दरगाह में थाने में और चौकी में FIR करो तो कहीं सुनवाई ना हो, और पेट में बच्चा रहा भी मर चुका, अल्ट्रासाउंड करा है, जांच करा है, पूरी रिपोर्ट है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। अस्पताल में भी सारी जांच रिपोर्ट कराए हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद में? यहाँ SO साहब से कहो तो SO साहब उल्टा डांटते हैं, सुनते ही नहीं है। पहले दिन तो उसको पकड़ के लाए, उसके बाद सुनवाई की, उसके बाद हम चले गए शाम को, उसके बाद में खुद। सर, कल महिला चिकित्सालय में एक महिला आई थी जिसके पेट में बच्चा मरा हुआ था, क्या है पूरा मामला? चलो, मैं किसी द्वारा फोन से जो है सूचना मिली, कोई शकीला नाम की लेडीज भर्ती है जिसके पेट में बच्चा है और प्री मेच्योर चाइल्ड है, और उसको जो है मतलब सिफारिश आई थी कि उसको मतलब डॉक्टर से देख के उसका ट्रीटमेंट करा दिया जाए। तो मैंने पता लगाया डॉक्टर ममता की ड्यूटी थी, तो डॉक्टर ममता को मैंने फ़ोन किया, हमने कहा कि क्या मामला, तो उन्होंने बताया कि जो लेडीज़ है उसको प्री मेच्योर बच्चा है, करीब 2 किलो से भी कम वेट है उसका है और 7 महीने 8 महीने के बीच का है, 8 महीने से कम का है, और काफ़ी मतलब कंडीशन ख़राब है और उसको मैं अभी ऑपरेशन करने जा रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप सही ढंग से कर दीजिएगा जिससे माँ की जान बच सके जो है,
और उन्होंने फिर उसको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने पर बच्चा जो था मरा हुआ पाया गया। करीब 4 बजे के आस 3 और 4 के बीच में उसका जो है ऑपरेशन संपन्न हुआ था, बच्चा मरा हुआ पाया गया। सर कितने दिनों पहले उस बच्चे अनुमानतः कितने दिन पहले बच्चा मरा हुआ था पेट में उसका? अब ये तो नहीं बता सकते कितने दिन का था, लेकिन बच्चा मतलब कई दिन पहले मरा हुआ था संभावना थी। और उसको जो है इसमें माँ जो है वो स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।